वेलकम बैक एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्विटर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी दे दी थी कि ट्विटर से आप किस तरह से पैसे कमा सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर सवाल आता है कि यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पॉलिसी और ट्विटर की मोनेटाइजेशन पॉलिसी में क्या यहाँ पर डिफरेंस है, क्या आपको ट्विटर पर काम करना चाहिए या यूट्यूब पर काम करना चाहिए। इन दोनों के बारे में डिफरेंस यहाँ पर जानेंगे, इनकी दोनों की मोनेटाइजेशन पॉलिसी को आज के इस वीडियो में यहाँ पर कंपेयर करके देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सेश सोलंकी, आप देख रहे हैं स्टॉक चैनल, जहाँ पर जो है आपको यूट्यूब ब्लॉगिंग मेक मनी टिप्स एजुकेशनल हेल्पफुल टेक्निकल सपोर्ट नॉलेज समय समय पर दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपके लिए मैंने यहाँ पर जो है एक चार्ट तैयार करके रखा है, जिसमें यूट्यूब वर्सेज ट्विटर की मोनेटाइजेशन पॉलिसी को कंपेयर करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर जो है आपको टर्म्स पॉइंट्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पर यूट्यूब के मोनेटाइजेशन पॉलिसी और यहाँ पर ट्विटर की मोनेटाइजेशन पॉलिसी आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्सक्राइबर्स की या फॉलोअर्स की, यानी कि सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स यूट्यूब में कितने चाहिए और ट्विटर में कितने चाहिए। तो सब्सक्राइबर की बात करें तो यूट्यूब पे आपको लास्ट वन ईयर में 1000 सब्सक्राइबर यहाँ पर चाहिए, तब आपका चैनल मोनेटाइज होता है, लेकिन ट्विटर में केवल 500 फॉलोअर्स 500 सब्सक्राइबर हो जाने पर आपका ट्विटर अकाउंट मोनेटाइज हो सकता है। बात करें वॉच टाइम की तो लास्ट वन ईयर में 4000 घंटों का पब्लिक वॉच टाइम आपको यूट्यूब पर चाहिए, तब आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है, लेकिन ट्विटर में 5 मिलियन इंप्रेशन लास्ट 90 डे में आपके ट्वीट पर होना चाहिए तो आपका ट्विटर अकाउंट मोनेटाइज होता है। बात करते हैं अकाउंट टाइप की तो यूट्यूब का अकाउंट टाइप यहां पर जो है नॉर्मल होता है, आपने अपना यूट्यूब चैनल यहां पर क्रिएट किया तो आपका अकाउंट यहां पर जो है बन जाता है, लेकिन ट्विटर में ऐसे ही अकाउंट को मोनेटाइज किया जाएगा जो कि वेरीफाइड अकाउंट होंगे, लास्ट 3 महीने में उनके द्वारा ट्वीट किए गए हो, 3 महीना पुराना अकाउंट हो और अकाउंट भी यहाँ पर वेरीफाइड अकाउंट है, तो ही जो है यहाँ पर उन्हें मोनेटाइज किया जाएगा। बात करते हैं कि कितनी अर्निंग कर लेने के बाद आपके अकाउंट में यहाँ पर जो है पैसे आएंगे, तो यूट्यूब से आपके $100 कंप्लीट होने पर आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, लेकिन ट्विटर पर $10 कंप्लीट हो जाने पर ही आपके अकाउंट में यहाँ पर जो है पैसे आ सकते हैं। बात करें टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होने की, आपका ईमेल वेरीफाइड होने की, तो आप पर यूट्यूब में भी आपका ईमेल वेरीफाइड होना चाहिए, टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए, और ट्विटर में भी आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए, आपका ईमेल अकाउंट वेरीफाइड होना चाहिए। बात करें रिव्यू की कि क्या आपका चैनल मोनेटाइज होने से पहले रिव्यू किया जाता है, चेक किया जाता है, तो यस, आपका यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे आपने सारी टर्म और कंडीशंस को पूरा कर लिया है, आप मोनेटाइजेशन के लिए जैसे ही यहाँ पर अप्लाई करते हैं तब आपके चैनल को रिव्यू किया जाता है कि कोई गलत वीडियो तो नहीं डला है, कोई अश्लील वीडियो तो नहीं डले हैं, कोई ऐसे वीडियो तो नहीं डले हैं जो कि YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसी का उल्लंघन करते हैं। ये सारा चेक करने के बाद आपके चैनल को यहाँ पर मोनेटाइज किया जाता है, और इसी तरह से ट्विटर पे भी आपके सारे टर्म और कंडीशंस यहाँ पर पूरे हो जाते हैं, तो आपको जो है रिव्यू के लिए भेजना होता है, और ट्विटर की ओर से पूरा रिव्यू करने के बाद, सारी टर्म और कंडीशंस पॉलिसी को चेक करने के बाद यहाँ पर जो है आपके चैनल को मोनेटाइज किया जाता है। इसी तरह से यहाँ पर बात करते हैं शेयर रेवेन्यू परसेंटेज की, तो यूट्यूब में आपने जितने भी पैसे यहाँ पर एडवर्टाइज के थ्रू कमाए हैं उसका 55% जो है आपको मिलता है और 45% यूट्यूब खुद यहाँ पर जो है रखता है, लेकिन वहीं पर बात करें ट्विटर की तो फर्स्ट ईयर के लिए यूट्यूब आपको 100% रिवेन्यू यहाँ पर दे रहा है, यानी कि यूट्यूब में आपने 100 रुपए कमाए तो 55 रुपए आपको मिलेंगे, 45 रुपए यूट्यूब खुद रख लेगा, लेकिन ट्विटर में यदि आपने 100 रुपए कमाए तो पूरे 100 रुपए जो है आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो अर्निंग के ज्यादा चांस अभी फर्स्ट ईयर में जो है यहाँ पर ट्विटर पर मिलने वाले हैं। लेकिन मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया के हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो ट्विटर का क्राइटेरिया भी यहाँ पर जो है उतना आसान नहीं है कि आसानी से जो है यहाँ पर अपने ट्विटर अकाउंट को मोनेटाइज कर लिया जाएगा। बात यहाँ पर करें एक और पॉइंट एज लिमिट की, तो दोनों में एज लिमिट यहाँ पर जो है 18 प्लस ही रखी गई है। आप एक ऐसे अकाउंट होल्डर है जहाँ पर आपकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है, तभी जो है आप अपने YouTube चैनल को भी मोनेटाइज कर पाएंगे और ट्विटर अकाउंट को भी यहाँ पर मोनेटाइज कर पाएंगे। तो ये रहा YouTube वर्सेस ट्विटर की मोनेटाइजेशन पॉलिसी के बीच अंतर। आपको ट्विटर की मोनेटाइजेशन पॉलिसी ज़्यादा ईजी लगती है या YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसी ज़्यादा ईजी लगती है, कहाँ पर जो है आप ज़्यादा आसानी से पैसे कमा सकते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह से YouTube ब्लॉगिंग मेक मनी टिप्स एजुकेशनल हेल्पफुल टेक्निकल सपोर्ट नॉलेज के लिए हमारे चैनल सेश टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।